चूड़ी बेचने के आड़ में मोबाइल चोरी के गैंग का खुलासा हुआ है, क्या है पूरी घटना, कैसे लोगों ने अंजाम दिया, फिरोजाबाद से। देखिए ये लोग जो फिरोजाबाद के बदमाश हैं, 6 बदमाश पकड़े गए हैं। एक वैन कल सबरी पर संदिग्ध हालत में मिली थी, जिसको पुलिस ने इंटरसेप्ट करके पकड़ा है और बदमाशों से पूछताछ किया है, तो उन्होंने स्वीकार किया कि वो अक्सर यहाँ आते हैं, जो कि चूड़ी का बिजनेस भी करते हैं, चूड़ी को बेचते भी इधर उधर विंध्याचल से लेकर मिर्ज़ापुर या विभिन्न जनपदों में इलाहाबाद बनारस या और चंदौली और सोनभद्र वगैरह भी ले जाते हैं। और ये इनमें से कुछ अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी है, वहाँ मक्खनपुर, रसूलपुर और रामगढ़ थाना पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं वो। उन्होंने स्वीकार किया कि ये जब आए थे तो उनका कुछ मोबाइल वोबाइल ख़राब हो गया था, इनकी दुकान पर बनाने के लिए गए थे, तो कुछ छोटी मोटी जो भी बात वाद विवाद हो गया हो, जिसके लिए इन्होंने इनकी दुकान की रैकी की टारगेट करके जो है जानबूझ करके, जिसके उद्देश्य से इन्होंने जो है इनका काफ़ी लगभग बड़ी मात्रा में मोबाइल का और ज्वेलरी की चोरी वगैरह किया था, जिसमें हमारी टीम लगी हुई थी इंटरसेप्ट करके। हमने जो है इसको अपना जो सिस्टम होता है पुलिस का, उस सिस्टम के माध्यम से हमने डेवलप किया, डेवलप करने के माध्यम से हमने जो है आज इस तरह से पकड़े गए बदमाशों से लगभग 50% रिकवरी की गई है, जिसमें 47 मोबाइल हैं, 1 लैपटॉप है और कुछ चीज़ें और भी बरामदगी की संभावना है। एक बदमाश अभी हमारा ऑब्सकंड कर रहा है, उसकी तलाश में हमारी टीम लगी हुई है। हमारी ये जो टीम है ये कटरा कोतवाली जनपद मिर्ज़ापुर की, और उसकी कुछ सर्विलांस और हमारे एसओजी टीम भी इसमें लगी हुई थी। इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और इसमें बरामदगी की गई है, इनको पुरस्कृत भी किया जा रहा है। कितनी चोरी हुई थी, कितना बरामदगी हुआ? लगभग 15 लाख के आसपास की चोरी ये संज्ञान में आया था, जिन्होंने FIR में दर्ज कराया है, और उसके हिसाब से लगभग 7.5 लाख के आसपास की ये रिकवरी हमारे की गई है। अच्छा, कितना सर इनका आपराधिक इतिहास रहा है, क्या ये इसी तरह का अलग अलग जनपदों में चूड़ी सप्लाई करके चोरी करते थे, क्या ये इतिहास है? अभी देखिए विवेचना का विषय वस्तु है, लेकिन प्राथमिक स्तर पर जो पूछताछ की गई है उस पूछताछ में इन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने अपने जनपद में भी, इनका एक गैंग है ये जो आर्थिक लाभ के लिए ये चूड़ी तो बेचते ही बेचते हैं, उसी की आड़ में इस तरह का जहाँ भी वो देखते हैं कि हमारा यहाँ काम बन जाएगा और ये चोरी के लिए अच्छा सॉफ्ट टारगेट है हमारा, उसको ये निगरानी करते हैं, उसकी रैकी करते हैं, देन दे गेट इट डन, उसको करते हैं। और इस तरह का ये इनका, इसलिए इनका आपराधिक इतिहास भी कुछ बदमाशों का है। और हमने वहाँ से जो पूछताछ की फिरोजाबाद से, वहाँ के लोकल थाना अध्यक्ष, वहाँ के लोकल जो पुलिस के लोग हैं उनसे बातचीत भी किया, तो उन्होंने बताया कि सर ये वास्तव में एक गैंग सक्रिय है और ये इस तरह से जो है वारदात करता है। अच्छा, ये सभी फिरोजाबाद के कहाँ के कैसे? हाँ, मैंने बताया ना अभी, पहले ही मैंने बता दिया था कि वहाँ के 3 थानों के रामबाग, रसूलपुर और मक्खनपुर के ये निवासी हैं, और जो शहर के आसपास पड़ता है, कुछ देहात एरिया भी पड़ता है वहाँ के। अभी एक बदमाश हमारा भगा हुआ है, उसके पास से भी अभी कुछ और बरामदगी की संभावना है।